हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओल मैकेनिकल आइडिया। और दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कैलिपर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैलिपर्स यानी कि वनियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कैलिपर्स यानी कि वनियर है दोस्तों। तो आज मैं इसके ऊपर और इसकी खूबियाँ क्या क्या है, ये कैसे माप करता है और उसकी छुपी हुई कुछ है जो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और इसके बारे में क्या क्या कमजोरी है वो आज मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आज लास्ट तक मेरे साथ बने रहना दोस्तों। ये वनियर मतलब कैलिपर्स कैसे चलाया जाता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ। मतलब आप ओडी का माप कैसे ले सकते हैं, अंदर आईडी का माप कैसे ले सकते हैं, कोई भी डीप कैसे माप तक माप सकते हैं, या कोई भी स्टेप का माप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और बाद में लाइक का बटन दबा दिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वनियर के ऊपर पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को बताया कॉमेंट करके कि सर, आपने जो नया वनियर लिया है और चलाया कैसे जाता है, मतलब उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है सर। तो उसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना दोस्तों। तो आइए वनियर के बारे में कुछ छुपी हुई जानकारियाँ पाते हैं, और उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, और उसको कैसे संभाला जाए और कैसे रखा जाए, उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे पास ये है वनियर। जी हाँ, इसे कैलिपर्स भी कहा जाता है और इसे कोई लोग वनियर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे डायल वनियर या डायल कैलिपर्स भी कहते हैं दोस्तों। तो ये मेरे पास यूरी कंपनी का है, यहाँ पे यूरी का लोगो दिखा हुआ है, और ये कुछ 200 mm तक का काम करता है, 220 सेंटीमीटर तक का दोस्तों। तो आप कहीं से पीछे दे सकते हैं, यहाँ पर एक स्टिकर था वो गलती से मेरे से निकल गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जब मैं इसके बारे में पूरी की पूरी वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मेरा वनियर है। इसे हम यहाँ से दो साइड से आपको पता होगा माप सकते हैं, कि पहला तो यहाँ से ऐसे माप सकते हैं, ये यहाँ पे दो जबड़े हैं उसके बीच से यहाँ पे माप ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरा माप यहाँ से ये मिलता है हमें आईडी मापने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ओडी मापने के लिए माप मिलता है और यहाँ से आईडी के लिए माप मिलता है दोस्तों। तो तीसरा माप है वो आप कई लोग नहीं जानते हैं, तीसरा माप और चौथा माप कहाँ से लिया जाता है दोस्तों। तो उसी के बारे में आज मैं वीडियो बना। सबसे पहले बात दोस्तों कि ये हमारे पे जो डायल वनियर है, ज़्यादातर हमारे इंडिया में इसी टाइप के वनियर दिखते हैं, जो सर्कल होता है उसमें ये कांटा लगता है बीच में, तो ये कांटा यहाँ से यहाँ तक एक जीरो से एक जीरो तक पहुँचे, तो उसे हम 1 mm तक का माप भी कह सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ तक मैंने पहुँचाया, तो इसे बोलते हैं 1 mm दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1 mm तक का माप लेना है, तो ये आधे चक्कर में आपको 1 mm तक का आधा 1 mm का माप लेना है। तो यहाँ पर आप शो करके देख सकते हैं कि 5 पॉइंट पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपको आधा 1 mm का तक का माप मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक जॉब है यहाँ पे छोटा सा, तो उसके ऊपर आज मैं माप करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप किसी ओडी का माप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, तो ये माप आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका माप क्या आया है, मतलब मेरा कैमरा कुछ सही नहीं चल रहा है अभी तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप 55.4 का माप आया है हमारा। जी हाँ दोस्तों, 55.4 का माप आया है यहाँ पे इस तरह से नापने से। और ये साइड का माप हम देख लेते हैं अभी, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप 56.4 का माप दिखाया जाता है दोस्तों यहाँ से, कि ये दोनों साइड का माप यहाँ से ऐसे ही शो करता है दोस्तों। ऐसे आप नाप लोगे तो आपको अच्छी तरह से नाप मिलता रहेगा। और अगर आपको आईडी का माप लेना है किसी भी आईडी का, तो ये दो साइड है, इसको किसी होल के अंदर जाने दीजिए, फिर इसको खोलिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों,
तो ये करीब 19.7 का माप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 19.7 का माप दिया गया है। तो ये आईडी नापने के लिए ये दो दिए गए हो, और ओडी मापने के लिए यहाँ पे वनियर में ये दिए गए हैं दोस्तों। जॉब आपके पास कोई ऐसा डिफ़िकल्ट जॉब है जिसके बारे में आप जानते नहीं है, और इस टाइप का जॉब अगर आपको कोई भी वन ईयर से स्केल करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से इस टाइप का भी माप ले सकते हैं। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.4 का माप दिखा रहा है, और उसकी मोटाई हम मापते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 19.5 का माप दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 40, 50, 10, 20 सारे के सारे नाप दिए गए हैं। तो दोस्तों आप तो इस प्रकार का माप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी करके यहाँ से कोई भी माप लेना चाहते हो तो इस प्रकार का ले सकते हैं। लेकिन अंदर कोई आईडी के अंदर, मतलब कोई स्टेट के अंदर लेना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार को भी जड़बे का यूज़ करके भी माप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का स्टेप लगाना है दोस्तों, तो आप कैलिपर्स में देख सकते हैं कि पीछे की ओर यहाँ पे एक खाँचा पड़ता है दोस्तों, ये दो खाँचा पड़ता है। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, सीध में आ जाता है और इसको यहाँ पे खोलने से ये स्टेप पड़ता है दोस्तों। तो मैं आज उसी के बारे में, ये छोटा स्टेप है उसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और बड़ा स्टेप को खोलिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा माप मिल जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है वो माप मिल जाएगा दोस्तों। ये ऐसे माप लेने से या ऐसे लेने से ये माप सही नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप पहले यहाँ पे आप एक जड़बा ऊपर की टच करवा दीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे का प्रेशर लगाइए, तो आपको ये माप आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे भी साइड अभी देख सकते हैं कि एक स्टेप लगा हुआ है दोस्तों। तो ऊपर का साइड इसको कनेक्ट कर दीजिए और नीचे से इसको प्रेशर लगाइए, तो इसका माप भी आप आसानी से बना पा रहे। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल और थियोरिकल सिखाने के लिए ये सब माप लगा रहा हूँ दोस्तों। तो ये वन ईयर में एक भी और भी छुपी हुई है कि आप कोई भी, अगर ये हमारे पास जॉब है इसका होल है अंदर की ओर, और इसके अंदर का माप लेना है कि होल कहाँ तक गहराई है, इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये वन ईयर देख सकते हैं, ये खोलने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर एक सुया निकलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये सुया अंदर जाने देना है, और ये यहाँ पे ये स्टेप आया, उसको यहाँ पे हम इसके कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसको ज़रा सा नीचे लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि अंदर की ओर ये स्टेप पूरा चला गया है। तो ये हमारा माप अंदर का मिल गया, होल की डीप कितनी है वो मिल गया है दोस्तों। तो यहाँ पे होल की डीप करीब 44 पॉइंट के आसपास दिख रही है दोस्तों, मैं आपको 43.300 की दिख रही है दोस्तों। तो ये हमारा सही माप मिल गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस कहीं भी चीज़ में आप अगर कोई डीप लेना चाहते हैं कि ये चोबे हमारा इसकी डीप कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी डीप है करीब 6 mm तक की। जी हाँ दोस्तों, आप इस टाइप से माप लीजिए, किस यहाँ पे देख रहा होगा आपको वीडियो में दोस्तों, कि इस टाइप से अगर माप लेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी दोस्तों। तो कैलिपर्स चलाने के बस इतने सारे ऐसे ही है आइडिए। तो ये थे तो कुछ माप लगाने के लिए बेसिक आइडिया दोस्तों। तो अब इसके बारे में हम इसकी कमजोरी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी मशीनिंग करते हैं दोस्तों, और ये अगर आपके हाथों से गिर जाते हैं तो ये ख़राब होने की बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको प्लीज़ थोड़ा संभाल के चलाइए। और इसको खोलने के लिए आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे गियर चक्कर और कुछ स्प्रिंग वगैरह आती है, तो वो ख़राब होने की बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। इसको बस धड़ाक से मत खोलिए, ऐसे झटके से बस इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते रहिए और आहिस्ता आहिस्ता बंद कीजिए, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और इसकी लाइफ भी बढ़िया मिलेगी दोस्तों। और प्लीज़ इसको कहीं पर आप मतलब ऐसे ही फेंके मत या इसको गिराइए मत, इससे क्या होता है इसका डैमेज रहने का बहुत डर रहता है और आपका माप भी बिगड़ सकता है दोस्तों। तो अब इसके फ़ायदे बता देता हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे ओडी आईडी स्टेप डीप सारे के सारे माप इसी में एक में ही बना देते हैं दोस्तों, और ये 200 mm तक का काम करता है। मेरे पास ये 200 का स्केल है, तो इसलिए 200 का माप देगा मेरे को। अगर आपको बड़ा चाहिए तो 300 का भी मिलता है, और उससे बड़ा चाहिए तो भी मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, और इससे छोटा चाहिए तो 100 mm तक का भी मिल जाएगा आपको, 150 mm तक का भी मिल जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा दोस्तों।